इंतखाबात के हवाले से इस बार 2024 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तो यहाँ पर ये इंतखाबी नतायज जमा होंगे, जैसे ही जिस हलके का रिजल्ट आएगा यहाँ पर उसकी अकासी हो जाएगी। कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, बलोचिस्तान असम्बली, और ये फिर पार्टी पोजिशन भी बताई जाएगी। ये पार्टी पोजिशन की अक्कासी भी की जाएगी, यानी जो हुकूमत, जो पार्टी हुकूमत बनाएगी यहाँ पर उसकी अक्कासी हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस मकाम पर मौजूद है जहाँ पर मुल्क भर के नतायज जमा होंगे। यहाँ पर कौमी असम्बली और किया जाएगा उस सियासी जमात का नाम जो सबसे ज़्यादा तादाद में नशस्तें हासिल करेगी आम इंतखाबात 2024 में। पार्टी पोजीशन बताई जाएगी और हुकूमत साजी के हवाले से इसी से निशानदेही हो जाएगी कि कौन सी पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है। तमाम कौम की ये ख्वाहिशात हैं कि हम इसमें जो है सुरखरुई हासिल। मुबसरीन और अंदरून मुल्क से जो मुबसरीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आएंगे उनके लिए खसूसी इंतज़ाम किया गया है। साइन सिग्नेचर वही करे जो उसके अपने सिग्नेचर शनाख्ती कार्ड पे होते हैं। नंबर तीन ये है कि वहाँ पे मीडिया होता है, प्रिजाइडिंग मुबसरीन होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया होता है, और सबसे अहम ये कि पोलिंग एजेंट्स और इलेक्शन एजेंट्स और कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होते हैं। तो हिदायत यह की गई है कि हर प्रिजाइडिंग अफसर जिम्मेदार होगा कि फिर उसको जब रिजल्ट बन गया तो मुख्तस जगह पर इलेक्शन उम्मीदवार या उसके इलेक्शन एजेंट या उसके जो पोलिंग एजेंट से साइन लेगा, और अगर किसी सूरत में वो साइन से इनकारी है तो उसकी मुख्तसर वजह तहरीर करेगा ताकि पता चल जाए कि फलां, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन ऐसा होता है कि जो हार रहे होते हैं वो जो टेक्नोलॉजी की मदद से स्पीड लाती है और उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाती है, जो रिजल्ट पर तस्वीर खींची हमने वो उसमें सिक्योर है कि नहीं। एक आप सारे लोग सुन के हैरान भी होंगे, खुश भी होंगे, इस सिस्टम में एक नई चीज़ ये है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेक्शन 13(2) के तहत फोटोग्राफ लेगा अपने मोबाइल के थ्रू, और ये कानूनन लाजमी है उस पर जो तस्वीर है। मगर ट्रांसमिशन के वक्त, जैसे अभी अपना साथ साहब ने बताया कि ट्रांसमिशन के वक्त अगर वहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि वो फोटोग्राफ मोबाइल के अंदर लॉक हो गई है, उस पर टाइम भी स्टैम्प हो गया और लोकेशन भी स्टैम्प हो गई है। और इस लॉ पे बनाते हुए हम पार्लियामानी कमेटी में थे, जो उनकी लॉजिक और रैशनल ये था किसी भी वजह से उनकी कनेक्टिविटी डिस्ट्रप्ट होती है तो उस सूरत में हमने ऑफलाइन मॉड्यूल भी उनको दिया हुआ है, जिसके तहत ये तमाम फॉर्म 45 जो उनको चाहे इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव हुए हैं या फिजिकली रिसीव हुए हैं उसको वो उसमें डेटा एंट्री करेंगे अपने डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की मदद से, और उसके बाद वो रिजल्ट मुरतब कर सकेंगे कनेक्टिविटी ना होने की भी सूरत। थैंक यू। जहाँ पर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा वीक था तो वहाँ पे हमने सेटेलाइट कम्युनिकेशन यानी कि सेटेलाइट टर्मिनल्स हमने उनको लगा के दिए। अभी की अगर मैं बात करूँ तो हमारे 855 सारे के सारे रिटर्निंग ऑफिसर इस वक्त कनेक्टेड हैं और हमारे साथ इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम 45 है वो बाहर चश्मा किया जाएगा और साथ साथ उसकी तस्वीर ले ली जाएगी, और वो तस्वीर जो है मोबाइल ऐप के थ्रू रिटर्निंग ऑफिसर को भिजवा दी जाएगी। दूसरा ईएमएस का जो पोर्शन है वो रिजल्ट कंपाइलेशन है जो आरओ ऑफिस में होगा। आरओ ऑफिस में जो रिजल्ट कंपाइलेशन होगी उसके लिए हमने पूरा सिस्टम जो है तमाम आरओस को दिया है, जिसमें नेशनल असेंबली वाले रिटर्निंग ऑफिसर को 4 लैपटॉप्स और प्रोविंशियल असेंबली वालों को 3 लैपटॉप्स दिए गए। इसके साथ साथ हमने उनको ईएमएस ऑपरेटर्स जो तकरीबन 3600 की तादाद है वो उनके साथ अटैच की ताकि उनको रिजल्ट मुरतब करने में वो मदद फराहम कर सकें। इन तमाम 3600 ऑपरेटर्स की हमने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग की है और ये तमाम पाँचों की पाँचों असेंबलीज का डिस्प्ले इस पर आपको दिखाया जाएगा। ग्रीन यहाँ पर आपको बता देगा कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिजल्ट अनाउंस हो गया, रेड भी शो कर रहा है कि वहाँ पर ड्यू टू डेथ मौती की वजह से इलेक्शन पोस्टपोन हो गया। और साथ साथ हमने कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल दोनों सिस्टम को यहाँ राइज किया हुआ है। हमारा ये निज़ाम ये खुद का निज़ाम है, ये किसी इंटरनेट पे डिपेंड नहीं करता। इसके बारे में अभी आपको छोटी
सी ब्रीफिंग सिर्फ इस मामले में देना चाह रहे हैं कि अभी जो आपके सामने ये मीडिया वॉल सामने नजर आ रही है, ये भी पहली दफ़ा इस दफ़ा इंट्रोड्यूस हुई है। आप लोग तो बहुत सारे विषय जो है इलेक्शन कवर करते हैं, वो उस चीज़ को विटनेस करेंगे कि इस मीडिया वॉल पर पाँचों असेंबलीज की जनरल सीट्स की आपको पूरी की पूरी पिक्चर शो होगी। ये इलेक्शन सिटी जिस तरह आप अभी मौजूद हैं, ये दोबारा इस्टेब्लिश किया है और इस इलेक्शन सिटी के अंदर पूरे पाकिस्तान से 859 रिटर्निंग अफसर का जो रिजल्ट है फॉर्म 47 इस रूट में, जिसे प्रोविजनल रिजल्ट कहते हैं, वो यहाँ मौसूल होगा। ये हमारा सेंट्रल हेडक्वार्टर है कंट्री का, और इधर जैसे ही हमें मौसूल होगा तो यहाँ पर PTV रेडियो और जो बाकी हमारे कौमी इदारे हैं उनके भी डेस्क है, उनसे भी शेयर होगा और पूरी आवाम से भी शेयर होगा और आप लोगों से भी शेयर होगा। आप लोगों के लिए हमने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए, यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया और स्टेक होल्डर्स जिनके पास एक्रेडिटेशन कार्ड है वो तमाम यहाँ आ सकते हैं। इलेक्शन सिटी में 2024 की इंतखाबात।